Here I am. You. चलो लो जी भाई पहुंच गए हम कहां पर वियतनाम हनोई गेट नंबर 33 से हमारी फ्लाइट है कनेक्टिंग जो कि हमें लेके जाएगी पाली की ओर। लेकिन इमिग्रेशन पे हमें पकड़ लिया गया है। मैंने एक सिम लिया है यहाँ से, यहाँ का जो फ्री वाईफाई है वो नहीं चल रहा है। मुझे पार्किंग और चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमाका चाहिए। हम अरे कहाँ ले जा रहे हो भैया, होटल कैंसिल कर रखी है बुकिंग उन्होंने। हट, ब्लॉक खराब कर दिया पागल। किमची मसाज के लिए बुला रही है, सही होना पता। मैं साथ खुदा आदमी हूँ भैया, अकेले अकेले में हूँ तो अलग बात है। पनीर तंदूरी मिल गया भैया, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आफ्टर सो मेनी डेज वी आर गोइंग फॉर द ट्रिप। सो बेसिकली वी आर गोइंग इंटरनेशनल दिस टाइम। सो बाली जा रहे हैं, बाली इंडोनेशिया। हमारी पैकिंग हो चुकी है। आज है 7th of September 2023 और आज से हमारे वीडियो व्लॉग स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी क्या क्या पैकिंग हो चुकी है। ये हमारा कैमरा, ये मैं और ये सामान, और ये हमारा साथी चलने वाला, और ये मैं। कैब आ रही है, कैब का वेट कर रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं। थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि G20 की वजह से आज दिल्ली में थोड़ा सा इशू हो सकता है, इसलिए हमारी कैब आ गई है, चलते हैं। मैंने ओला बुक कराई थी, यहाँ से एयरपोर्ट का दिखा रहा है अराउंड 900 रुपीज़। और ये मैं भी अपनी शक्ल दिखा दूँ। ये अब एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं, हम आए थे बुआ के यहाँ पे। ये भाई की थार खड़ी। सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड टर्मिनल 3। सो हमें जो छोड़ने जा रहे हैं वो हैं हमारी बुआ के बच्चे मन्नू और सुमित, पीछे छोटा छतरी। चलो मिलते हैं ट्रिप से आके। ओके बाय, थैंक यू, चलो बाय। पहुंच गए हम कहां पर, वियतनाम हनोई। और यहां से हमारी है बाली के लिए। नींद नहीं आई बिल्कुल भी, हमारे आगे पीछे बच्चे बच्चे, दिमाग का बना दिया बिल्कुल बड़ा। गेट नंबर 33 से हमारी फ्लाइट है कनेक्टिंग जो कि हमें लेके जाएगी बाली की ओर। और ये जा रहा है हमारा चुटका भाई, देख ले, गिर मत जाइयो। गाइज़, हम पहुंच चुके हैं इंडोनेशिया के एयरपोर्ट बाली। हमें पहले अपने लगेज पिक करने हैं और सब हमारे बैग्स वगैरह हमें जल्दी मिल गए हैं। मेरे ख्याल से 2 मिनट भी नहीं लगी होगी, लेकिन इमिग्रेशन पे हमें पकड़ लिया गया है। मैंने एक श्वेता ने मेरी एक वीडियो बनाई थी और यहाँ के सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ने ये देख लिया, और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ने देख लिया और उसके बाद उसने हमारा कैमरा चेक किया और कैमरा चेक करके हमसे वीडियो डिलीट कराया। सारे इंडिया के रूल्स पूछ लिए उसने हमसे। रूल्स पूछने के बाद में वीडियो दिखाने को कहा कि आपने इंडिया में कहाँ ऐसी वीडियो बनाई है, और देन उसने वो वीडियो डिलीट कराई अपने सामने। खैर, ज़्यादा लफड़ा नहीं हुआ, सब मिल गया, अब चलते हैं। और ये हमने सिम लिए हैं यहाँ से, प्लान काफ़ी महंगे महंगे हैं। सो गाइस, ये हम निकल रहे हैं बाहर यहाँ से और हमें कैब नहीं मिल रही है। ई सिम लेने के बाद में हमने ग्रैब करने की कोशिश करी, बट भीड़ देख लो, इतने लोगों की भीड़ है,
कैब नहीं मिल रही है, हो नहीं रही है, और ये लूट रहे हैं 300 के 350 के। अरे चश्मे कहाँ हैं, हाँ की फोड़ दी इसने तो। सामान लेके घूम रहे हैं अभी हम भाई साहब, कोई सस्ता सस्ता देश ना आए, लूट मछली पड़ी है तो। अब यहाँ देखते हैं कि रेल से बुक करके मिलती है कि नहीं। देखो बस भी यहीं से चल रही है, ये तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन बस पता नहीं हमें कहाँ छोड़ेगी। लोग देखने वाले कहते हैं थोड़ा गरीब, इसलिए भैया कैब से जाएंगे। भाई ये जो बंदा जा रहा है ये मिला है हमें, और इंडिया की तरह यहाँ भी भयंकर लूट मचा रखी है। जो दिखा रहा है तो मैं उससे कह रहा है अलग, मुझे पार्किंग और चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमाका चाहिए। हम जाने लगे तो फिर कह रहा आ जाओ बैठ जाओ। भाई अब तुम्हें बताते हैं एयरपोर्ट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और फ्लाइट का, और फ्लाइट का एक्सपीरियंस। हमारी जो फ्लाइट थी वो थी दिल्ली से हनोई और हनोई से बाली, ठीक है। अब दिल्ली से हनोई वाली फ़्लाइट थी वो तो थी आपकी, बड़ा ड्रीम लाइनर था वो, तो उसमें स्पेस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं थी। बट उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया हमसे बैगेज का, 20 kg का, 2700 रुपये के आसपास। चलो ठीक है, कि तुम बुद्धू बना रहे हो, तराजू लिए बैठे हुए हैं वहाँ पर, तोल रहे हैं यार जगह जगह पर। और फिर उसके बाद हनोई में ले ओवर था हमारा, मेरे ख्याल से 3-3 घंटे के आसपास, 2.5-3 घंटे के आसपास का ले ओवर था। तो वहाँ एयरपोर्ट भी कोई भी इतना का सस्ता नहीं है, एयरपोर्ट पे वैसे भी महंगे मिलता है, लेकिन ठीक है। हमें वहाँ पे, मैं अभी एक वीडियो में डालूँगा उसमें एक, हमें वो थोड़ा स्प्रिंग रोल टाइप के से मिले और उसमें नूडल्स वगैरह थे, ग्लास नूडल्स। अच्छा था वो आइटम, वेज था, प्योर वेज था, जो कि अराउंड $7 या $8 के आसपास का था। और बर्गर किंग से एक बर्गर लिया, वेज बर्गर मिल गया था, वो भी ऐसे ही $7 के आसपास का था, तो मतलब हमारा काम चल गया। फिर जो भाई हमें फ़्लाइट मिली है ना वहाँ की, बाली तक की फ़्लाइट, भाई लेग स्पेस वही इंडिगो वाला भैयात, और आगे पीछे बच्चे कैंक कैंक रोना वही। सो वी हैव रीच द होटल, देखते हैं भाई सामान उतारते हैं। ये है होटल मेन रोड पे, ये रोड जा रही है यहाँ से। तो मैं पेमेंट करता हूँ उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज़ द एंट्री, ये बार भी है यहाँ पे, बढ़िया है, मतलब होटल तो शानदार है। बार अगर हमें यहीं पा के बैठेंगे नीचे, अभी एंट्री करा लेते हैं अपना, फिर रूम चलते हैं। भैया कितने बजे तक हिंदी बोल रहा हूँ यार मैं, छोड़ो। तो फाइनली हमारे पास वेलकम ड्रिंक आ गई है, टेस्ट करके देखते हैं क्या है ये। फोन नंबर यार ये डालना, nice. वो डालना था अपना, आप डाल दें वाला, ये नहीं आ रहा। राम राम रे सारा भैया ने, हम पहुंच गए हैं बाली, बाली में दिखाने जा रहे हैं हम रात को घूमने के लिए हम निकले हैं रात में पहुंच गए कुट्टा की रोड से जा रहे हैं राइट में, जा नहीं रहे हैं अभी, रुके हुए हैं, देखेंगे लेफ्ट में जाऊँगा राइट में जाऊँगा, इतनी हो पा रही हमसे स्क्रिप्ट से आगे नहीं हो पा रही। चलना इधर, आगे चलना पीछे चलना,
ऐसे ही है यार सारी मार्केट, आधी तो दुकानें कुछ बंद सी भी हो गई, पता नहीं कि डर लग रहा है ना मार्केट बंद करके पड़ा है। ये सलून है, ये स्पा है, हार्बर आईएनएक्स, ये लेदर की है हार्ले डेविडसन नकली लेदर। अरे एक को देखा मैंने एयरपोर्ट पे पहन के जा रहा है ये वाले जूते, चला जा नहीं रहा उससे, और पहन के घूम रहा है एकदम हीरो की तरह। थोड़ी चहल पहल कम है, मार्केट वार्केट तो है देखो अच्छी खासी, लाइट वाइट की थोड़ी सी बिजली की बचत कर रहे हैं। सारी बनिया बनिया बट्टे बैठे हैं अब, अच्छा अच्छा वाट की लाइट लगा के कम से कम 100-200 वाट आइटम लगाओ तभी तो देखेगा। और अंग्रेजों को ये पसंद आता है, थोड़ा सा अंधेरा तो वहीं बैठे रहो, कुत्ते घूम रहे भैया छोटे छोटे, कभी काट फूट ले में कुत्ते घूम रहे भैया छोटे, कभी काट फूट ले में वो पता ना। उजारा उजारा उजारा, और भगले निकल ले जल्दी भाई। मैं सारे भैया ने अभी हमने पूछ ली, अब हमें रेफ्ट जाना। अरे बाइक देखो इनकी, हट ब्लॉक खराब कर दिया पागल। ये विश्वनाथ आनंद बैठे हुए हैं, मस्त में जा रहे हैं भाई, मस्त मस्त बाइक लेके निकल रहे लोग। मैं बता दूँ तुम्हें साफ बात, स्प्लेंडर। चलो यहाँ देखें कुछ बैग वैग से, आगे को टांग रहे को हीरो बनेंगे हम भी, इक्के रुपए के हैं है ना। राम राम भैया ने कक्के रुपए के हैं क्या भाई, चप्पल भी हैं देखते हैं। तो नकली मार्केट है देख लो भैया, मार्केट ही भाई, गोवा की सड़कें याद आ रही हैं मुझे। होलसेल एंड रिटेल वी आर सेलिंग, सब बिक रहा है भाई। यहाँ पे बंदा बताता पैसे कैसे, 400 हमें समझ में आती है 400 रुपये, फिर वो कहता 400K, 400K बन जाते हैं बहुत कुछ, फिर हम चले जाते हैं वहाँ से। सारी बात हो रही है ये, इस्पा भी है यहाँ पे, लड़कियाँ बैठी हुई हैं। देख लिया भाई साहब तुमने, हेलो मसाज, मसाज के लिए बुला रही है सही होना पता, मसाज बुला आदमी हूँ भैया, अकेले अकेले में हूँ तो अलग बात है, तू तो सामने बुला रहे रही है मेरे को। अच्छा हाँ भी करूँ तो कैसा करूँ, चलो तो भाई दिल्ली की तरह यहाँ पे भी अब देखते हैं चश्मे। मिरर नो वी वांट टू सी इन कैमरा, दिखाना मेरी दिखा शक्ल मोकू लगा के देखना दे। और मैं बन गया किमची, कैसा लग रहा रूम भैया? यहाँ भी इंडियन इंडोनेशियन कुजीन एंड सी फूड, इंडियन ऑप्शन अवेलेबल, not too much because here is Indonesian. Vegetable samosa, Thai curry, vegetable aloo curry, it's a fit. अरे तो चिकन है, चिकन चिकन है। हेलो भाई, यहाँ का टुक टुक कहाँ का चल रहा है, घोड़े सजे खड़े हैं मस्त। बाली टैटू लैपटॉप जैक्स बाली भाई, अब ढूंढ रहा है, अब टास्क है इंडियन खाना ढूंढ रहा है ठीक है, अभी हमसे झेला जाएगा नहीं ये सब चीज़ें। तो बार है वैसे तो पिज्ज़ा विज़ा खा सकते हैं आप है ना, मैंने कि बियर लेके पिज़्ज़ा खा सकते हैं है ना, आएगे तो इसी पे चलेंगे।
ये है रंग महल, किसी के हाथ में लगी हरा पिस्टिक का। यहाँ देखो कुछ मिल रहा, पनीर तंदूरी मिल गया भैया, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। चल 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 चल, सड़क पार करनी है वैसे। तो ये बैठ गए हम रंग महल में, यहाँ से नज़ारा माशाल्लाह। ये और ये आ गया मैं, देखो भाई मुझे भाई। देखो अंग्रेजों की मौज करने की चीज़ें, ओपन बस बाहर चल रहा लबालब।